इवन तो सुपर हीरो कॉम्प्लेक्स भी तो है ना तो मैं तो सुपर हीरो बनना भी है। इसकी बॉडी देखें यार आप, सुपर हीरो वाली बॉडी। क्रिश हमारा, क्रिश क्रिश फोर का हीरो हमारा, क्रिश मोहम्मद क्रिश जाफरी। बाबर एक बात बताओ, मुझे पता है कि तुम्हें एयरपोर्ट्स बहुत ज्यादा पसंद है, तुमने अपनी शर्ट क्यों बना दी? ये एयरपोर्ट्स नहीं है, ये एयरपोर्ट लग रहे हैं। दिस इज जनरल ग्रीवेस फ्रॉम स्टार वॉर्स, उसका उसकी जो आंखें और एंटेना होते हैं ना। नहीं ये एयरपोर्ट्स हैं। नहीं एयरपोर्ट एप्पल के पेन तुम्हें लिखना होगा यहाँ पे जनरल ग्रीवेस। ये भी एक साइड कैरेक्टर बाय द वे। क्या है ये? ये जॉस का पानी है। जॉस का पानी यानी मतलब साइड कैरेक्टर की बात नहीं है, इट्स इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। जैसे क्वैगन वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। सही है यार, आपको पता है आप स्टार वॉर्स देखते हो, सही है? हाँ, और वैसे हमारी जनरल ऑडियंस को शायद स्टार वॉर्स के बारे में पता नहीं होगा। अच्छा तू जा ही लेना, वो लोग आपको देख रखते हैं तो वो स्टार वॉर्स ही देखेंगे। किस किस्म की बात है, उन्होंने स्टार वॉर्स हिंदी में देखी होगी यार। तुम कितने भी पेट्रियटाइजिंग बात है भाई, तुम इतने जाहिल लग रहे हो ना यार। अच्छा अगर देखिए तो कमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव। और बसाम पे लानत दे दी, क्योंकि इस तरह की घटिया बात हम नहीं करते। अच्छा बसाम, तुम इतने बड़े फिल्म बफ बनते हो, व्हाट डू यू लाइक इन अ फिल्म? सिनेफाइल। फिल्म बफ जो होता है ना, सिनेफाइल फिल्म बफ जो होता है ना, वो सिर्फ बफ ही होता है। ज़ैबिस से मीडिया साइंसेस पढ़े हो, चलो ये न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से उतर के नहीं आ गए हो, सस्ते स्कॉर्सेज़ी। तो अबे ऑडियंस को दलील करेगा इसको हम छोड़ देंगे? अबे इसको जेलसी हो रही है क्योंकि ये बहुत कम मूवीज देख चुका है, इसको लिटरली कोई मूवी नॉलेज। मूवी देखने से बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है ना, ये लो सर्टिफिकेट। अच्छा मुझे ये बताओ, लिटरेचर है भाई, मुझे ये बताओ कि तुम्हें What do you look for in a movie? तुम्हें पसंद क्या? कौन सी movie तुम्हारी like what genre? It varies. I like all sorts of genres. Items. अवामी नहीं bro. इसको item number चाहिए होते हैं. मुन्नी, तुम्हें मुन्नी चाहिए, तुम्हें शीला चाहिए, तुम्हें नहीं नहीं मुझे बिल्ली चाहिए, मुझे नहीं मुझे कहना प्यार। यार ऐसा वाले अच्छे अच्छे ट्यून वाले गाने अच्छे लगते हैं। दिल मेरा हर बार ये यार, उसमें ऋतिक रोशन का डबल रोल था फिल्म के अंदर, बहुत टाइट था। क्योंकि आपको पता है हमारी फैमिली जब वो देखी थी मूवी, हम समझते थे यार नहीं ये ऋतिक रोशन नहीं है, ये कोई और है, ये कोई और। मेरा मेरा वो एक्टर सेम नहीं है। मेरा फेवरेट सीन बताओ क्या होता है? हां जैसे मुझे साइफर मूवीज बहुत पसंद है। वैसे तो मैं स्टार वॉर्स यस मतलब मैंने बहुत रिसेंटली देखी है स्टार वॉर्स रिलेटेड टू अदर पीपल। क्यों? तो अपनी अम्मा की गोद से देखकर आ रहे थे ना। भाई क्यों? क्योंकि मेरे अब्बा बचपन से अपने बचपन से वो देखे जा रहे हैं स्टार वॉर्स, ठीक है। उन्होंने वो खुद मुझे बताते हैं कि मैं जो हूँ ना निषाद सिनेमा 17 बार गया था स्टार वॉर्स देखने। तारों की जंगें उर्दू में आ रही होगी ना, वो भी उर्दू में देख रहे होंगे ना। उस जमाने में भी निषाद सिनेमा स्टार वॉर्स लगती थी, हिट होती थी सारी मूवीज। जो जो मूवीज हमारे पास आती थी उनकी लंबी लंबी लाइनें होती थी। आई थिंक बहुत सारे आर्काइवल फोटोज हैं जो लंबी लंबी लाइनें हैं भाई। अब तो बेचारे वो कुछ रहे नहीं हमारे सिनेमा। नहीं यार अभी भी चीजें लगती हैं, पाकिस्तानी सेंट्रिक लगती है। अब तो न्यूप्लेक्स आ गया है, अब मतलब सिनेपैक्स भी हो के आ गया है, एट्रियम भी है, मतलब बट द डिमांड फॉर गुड मूवीज वो डाउन हो चुकी है यार। मुझे सबसे आला लगता है पंजाब का मूवी सीन, क्योंकि वहाँ पे फिल्में इस तरह की होती है, कुंडी ना खटका सोने का सिद्धे अंदर। अबे मगर शायरी तो देखो उसकी, ओ भाई इसमें शायरी तो देखो आप सीरियसली। वो लोग देखने क्यों आते हैं? इसलिए तो कि जो डायलॉग्स हैं बड़े पावरफुल होते हैं। हालांकि पावरफुल होते हैं, हाँ बहुत पावरफुल डायलॉग हैं। स्टोरी बेकार होती है, बेहतरीन डायलॉग्स हैं। और कैरेक्टर्स भी बड़े पावरफुल होते हैं, बड़े पावरफुल होते हैं, पावरफुल होते हैं वो। तुम छिछोरी बातें कर लो, मतलब शेम ऑन यू। तो छिछोरी मूवीज है हमारे पास, क्या करें? अच्छा व्हाट इज व्हाट डू यू लुक इन अ फिल्म, तुम्हें क्या चाहिए फिल्म का? व्हाट डू आई लुक इन? मैं ऐसे बोल रहे हो जैसे कि भाई सिनेफाइल। तो तुम बोलो मैं सिनेफाइल, सिनेफाइल भाई परफेक्ट फिल्म में शायद मेरा मेरा ये मुद्दा होगा कि यार मूवी जो हो वो इतनी हो कि रियलिस्टिक साइफाई हो या नॉन फिक्शनल, एटलीस्ट रियलिस्टिक स्टोरी हो कि ऑडियंस वाला जो है बोले अरे अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। ये नहीं हो कि हाँ मुझे पता है क्या यार। मेरे लिए बेस्ट फिल्म है हेरा फेरी। हेरा फेरी नो डाउट, हेरा फेरी आई थिंक सबसे जबरदस्त कॉमेडी फिल्म है, क्योंकि उसमें कैरेक्टर बड़े आला किस्म के हैं, स्टोरी बड़ी मेरे लिए बताऊं इंटरेस्टिंग चीज के बाबूरा ए बाबूरा। मेरे लिए एक फिल्म बताऊं क्या होना चाहिए, एक इम्परफेक्ट कैरेक्टर है जो अपनी इम्परफेक्शन से ही इज कमिंग टू टर्म्स विद दैट, बट दिस इज अ जनरल स्टोरी लाइन।
This is the craft of story ke there is an imperfection of a character and he tries to perfect it, comes on with a lot of obstacles aur phir bhi kuch nahi hota, but he learns or she learns something from it. Ye ek story ka ek basic main hai. Zabister ladka padh kar aaya hai. Thank you very much. Bada bada point hai, bada bada. Nahi, magar that is actually true. Yehi sabse zyada I think you were telling me there's only 6 or 7 forms of narratives. Ha, true. Actually kisne Plato ne shayad bola tha ya Aristotle ne. Ha, main pooch leta hu call karke. Hello? Plato? I think it was Aristotle. जिसने क्योंकि पोएटिक्स के अंदर क्योंकि एग्जैक्टली सर क्योंकि उस जमाने में ग्रीक हम भी पढ़ गए हैं ग्रीक्स जो थे वो थिएटर को इस तरह से लेते थे कि इट वाज अ रिफ्लेक्शन अपॉन देयर सोसाइटी सो वो जिस तरह से उन लोगों ने उसको डिवाइड किया उन्होंने बोला कि सिर्फ और सिर्फ 7 स्टोरीज होती हैं और उसी में आप घुल मिल के और स्टोरीज बनाते तुम्हारी फेवरेट कोई स्टोरी तुम्हारी फेवरेट स्टोरी क्या है इसकी तो बकवास थी यार मैं आई हैव अ रियल सॉफ्ट स्पॉट फॉर साइंस फिक्शन मतलब सुपर हीरो मूवीज में बहुत पसंद है मतलब इवन सुपर हीरो कॉम्प्लेक्स भी तो है ना तो मैं तो सुपर हीरो बनना भी है इसकी बॉडी देखें यार आप सुपर हीरो वाली बॉडी क्रिश हमारा क्रिश क्रिश 4 का हीरो हमारा क्रिश मोहम्मद क्रिश जाफरी नहीं यार जादू बाय अगेन आई सी व्हाट ही मींस बाय देयर इज अ सुपर हीरो वैरायटी ऑफ सुपर हीरो मूवीज और उसमें मजा जो है ना वो ये है कि नैरेटिव्स भी अलग है साईफाई वाला एलिमेंट भी है लाइक मुझे एनिमेशन भी बहुत पसंद है हेरा फेरी बोली चलो ये ठीक है हम ये मानते हैं ये अच्छी अच्छे मानते हो ना और टाइटैनिक बसाम को तो ऑब्वियसली आपको पता है क्यों पसंद होगी नहीं नहीं उसमें आर्ट बहुत है ना टाइटैनिक अच्छी फिल्म मैं बात कर रहा हूँ जो साइंस फिक्शन है उसमें इतना सारा कुछ दे दिया अब देयर इज एवेंजर्स देयर इज गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ऑन द ऑपोजिट एंड देयर इज वॉचमैन मतलब डार्क टू इतना हैप्पी एंड बट आई आल्सो आल्सो डिबेट कि ये जो है सिर्फ वेस्टर्न या अमेरिकन साईफाई इसको वाइड बनने का शौक है ना यार आपने देसी फिल्में देखी आपने आप मौला जट देखो यार अपना सुपर हीरो है मौला जट रिलीज तो होने दो फिर अबे पुरानी पुरानी मौला जट यार आपने वो देखे हैं जिसमें वो इतना वो मर भी नहीं पाता वो सुपर हीरो ऐसे होते हैं वो जो घूम घूम के टक टक करते हैं वो उन्होंने कॉलोनाइज किया था और हमारे मुल्क की तमाम दौलत इंडस्ट्री खड़ी की है तुम सीखने कहाँ गए थे आर्ट्स मैं तो आर्ट सीखने के लिए यहीं से सीखा मैंने शुरुआत यहीं से की मैंने आप गए थे बोस्टन अमेरिका यूके भी गए मैं शिकागो अमेरिका गया था पहली बार यूके गया था मैं तो जा सकता हूँ वहाँ पे वो हमारा कोहिनूर लेकर चले जाए हम वहाँ पे जाके अबे इंग्लैंड कहीं और है अमेरिका कहीं और है ये तो आपको ही बता रहा हूँ ना दोनों जगह पे यार हम तो लड़ते रहेंगे आप बताएं कि आपको एक फिल्म में क्या चीज अच्छी लगती है हाँ हाँ और क्या आप थोड़ा आप भी तो प्लॉट लेकर आओ पता नहीं क्या होने वाला है तो आप बताइए कि आपको कौन सी फिल्में अच्छी लगती है Do you like Hollywood over Bollywood? And do you actually support the Pakistani cinema? और बाबर क्या क्रिश 4 में आना चाहिए या नहीं? We are the Chai Pani Show signing off. Please comment down below. Bye.